نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافيا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين سم آمين. شرى كتاب الحج حج كابيان حج دين كا बुनियादी रुकन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह रवायत से बुखारी में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियाद इस्लाम आला हमसन इस्लाम की बुनियाद पांच बातों पर है पहली बात इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं गोया शहादत पहला रोकन है नमाज कायम करना जक़ात अदा करना हज करना और रमजान के रोजे रखना ये दीन के पांच बुनियादी रुकन है और हज उन अरकान में से एक रुकन है हज दीन का सतून भी है तोहहीद नमाज रोजा जक़ात हज ये दीन के सतून है और हम सब जानते हैं कि सतून के बग़ैर इमारत तामीर नहीं होती तो अगर कोई कलमा पढ़ने के बाद दीन की इमारत अमाल साल की इमारत तामीर करना चाहता है ताकि जन्नत में महल की जमानत हो जाए तो फिर ये हज नमाज और रोज़े और ज़क़़़ की तरह दीन की इमारत का सतून है हज हुक्म खुदा बंदी है फरीज़ाए दीन है आगे जाकर इसकी फर्जियत पर अभी बात होती है हर आकिल बालिक मुसलमान मर्द और, और औरत पर जो साहिब इसतात हैं उस पर हज फर्ज है और इस्तात जिसमानी और माली दोनों है हज सुन्नत रसूल सल्लासम है और हदीस में चूंकि इसकी ताक़ीद है तो अक्सरियत की नजर में यह सुन्नत मददा करार पाता है हज के लुज़ी मा, लगवी मानी कसत या इरादे के हैं कसरत करना या इरादा करना ये इसका लघवी मतलब है और शरीय अतलाह में हज उस मखसूस या ख़ास कसत या इरादे को कहते हैं कि जब एक मुसलमान ख़ाना काबा की तरफ जाने का कसत और इरादा करता है और मखसूस दिनों में मखसूस इबादत और अमल अपनाने का इरादा करता है तो ये कसद और इरादा गोया हज है हज सिर्फ मोहम्मदी शरीय वसल्लम में ही नहीं पिछली शरीयतों में भी मौजूद था क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अविलाई तुम वजिया नाज बिबक मुबारक इन पहली इमारत जो इस रुए जमीन पर तामीर की गई थी वो खाना काबा की इमारत थी और इसी पहले तामीर के हवाले से ही इसका नाम भी है काब कहते हैं उभार को तो इस रुए ज़मीन पर उभरने वाली पहली इमारत का उभार काबतुल्ला हर में पाक है जो पहली इमारत थी जो ज़मीन के मरकज़ और महवर के अंदर उमुल क्रा में अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने इसकी जो बुनियादें थी वो तामीर की थी और फिर इसके बाद दस्तफा खाना काबा को तामीर किया गया हम सूरह बकरा में बढ़ चुके हैं इस बात को और इसकी तामीर के बाद हज पिछले नबियों की शरीतों में राइज था हजरत इब्राहिम ने जब इसको तामीर किया जियरफा इब्राहिमायद मिनबी व इसमाइल औरकब्बल मिन्ना तो जब बाप बेटे ने इसको तामीर किया

कि आप लोगों को हज का ऐलान कर दें और हज का हुक्म दें और हमें रवायात से पता चलता है कि जब अल्लाह सुबहाना वादी गैर जी ज़रा में उस सहरा नुमा बस्ती में उ कुरा में जब अभी बहुत थोड़ी आबादी थी गिरदोपेश में और अल्लाह ने हज के ऐलान का हुक्म दिया था हजरत इब्राहिम सलाम को तो हज़रत इब्राहिम सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह सुबहाना इस सहरा में बियाबान में मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा और मेरी इस पुकार और दावत को कौन सुनेगा तो अल्लाह सुबह ताली ने रवायत में आता है कि फरमाया गया था कि इब्राहिम आवाज लगाना आपका काम है और आवाज पहुंचाना हमारा काम है और फिर आज इब्राहिम के कुछ अमल ये हज के मनासिक का लाजिम हिस्सा बना दिए गए रमी करना कुर्बानी करना ये सब फिर सफा और मरवा के दरमियान सही करना ये इब्राहिम और आले इब्राहिम की सुन्नतों को जारी करने के लिए ये अमल जो है वो हज के हिस्से बना दिए गए और इबादात का एक महवर और मरकज बना दिए गए ताकि सुन्नत इब्राहिमी को जारी करने का जरिया बन जाए ये हज की हज की इबादत हजरत इब्राहिम के बाद कुरैश मक्का के लोग हज करते थे क्योंकि ये दीन इब्राहिमी थे ये दीन इब्राहिमी पर तर हज करते थे लेकिन इन्होंने जैसे अपने बाकी दिन के अंदर बहुत से तगारात बहुत सी तहरीफा बहुत सी तब्दीलियों का मामला कर रखा था वैसे इन्होंने हज के भी मनासे को बहुत ज़्यादा बदल डाला था और हज के तरीक़े को भी बहुत ज़्यादा बदल डाला था हमने ने सूरभग्रह में पढ़ा था कि इन लोगों ने खुद साख्त से तस्वुरा जो हैं उनको इख्तियार कर लिया था हज में इनका ख्याल था कि जब हम एहराम पहन लेते हैं तो अपने घरों में जाना जो है वो जायज़ नहीं है और वह अपने घरों के दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे वो अपने अपने दरवाज़ों अपने घरों की से दाखिल होते थे तो अल्लाह ने इसको फिर मना किया ये जब सफ़र पर हज के जाते थे तो ज़्यादा रान नहीं लेके जाते थे तो अल्लाह ने फरमाया वह तजव्दे वगे, फ़गैर ज़्याद तकवा कि तुम ज़्यादा रे के जाया करो पर बहरहाल बेहतरीन ज़्यादे तकवा है फिर ये हज के दौरान तजारत को और ट्रेड को इन चीज़ों को मना नहीं पसंद नहीं करते थे फिर ये जब हज पे अरफात से पलटते थे तो ये मशर हाम हराम या मजलफा अपने तकब्बर और घुमंड में कि हम खाना काबा के मुतवली हैं हरम की हदूद से बाहर नहीं जाएंगे ये मजलफ़ा और मशर हराम नहीं क़याम करते थे हालांकि ये वाजबातें हज में से हैं और फिर ये मिना में जब कयाम करते थे याम तशरीक में तो ये अपने आबाओ अजदाद के तफ़ाखर के अशार और शेर व शायरी और उनके किस्से और उनकी रुदादें बयान करते थे तो अल्लाह सवाल तै ने अल्लाह सुबहाना तला ने अपने जिक्र का जिक्र या बा हुक्म के जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो वैसे अब अल्लाह का जिक्र किया करो फस करोल्ला अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो ये तरीके इन्होंने बदल दिए थे और बहुत सबसे बड़ी जो तब्दीली कर रखी थी इन्होंने हज और उमरे और तवाफ में कि शैतान ने इनको ये सुझा और समझा दिया था क्योंकि शैतान कोई ढंग की बात तो समझाता ही नहीं है सही बसवसा तो डालता ही नहीं है शैतान ने इनके दिलों में ये ख्याल और इरादा और ये सोच डाली कि तुम जब अपने दुनियावी काम काज करते हो तो तुम्हारे कपड़े तुम्हारा लिबास गर्द गुबार से खाक आलूदा हो जाता है मैल कुचैल पसीना बदबूदार हो जाता है तो तुम अल्लाह के घर में जाओगे हरम के मुताफ़ और सहन में तवाफ करोगे और इबादत का मामला इख्तियार करोगे तो उन गंदे मैले कुचैले कपड़ों में करोगे तो तुम ऐसे करोगे इन लिबासों को उतार दो बजाय इसके कि अगर ढंग की बात सिखानी होती तो वो ये कहता कि इन लिबासों को उतारो और पाक साफ सुथरे बावक लिबास पहन लो खुजुजीना मस्जिद अल्लाह ने कुरान पर भी हुक्म दिया लेकिन ये सुझाने के बजाय उसने कहा कि अपना लिबास उतार दो और उन्होंने बरहाना होकर बेलिबास होकर उन्होंने तवाफ करने का तरीका इख्तियार कर दिया तो ये कुछ तब्दीलियां तो थी लेकिन बहरहाल और फिर अबा वॉल उन्होंने खाना काबा में तीन सौ साठ बुद्ध भी आबाद कर लिए थे लेकिन इसके बावजूद वो हज करते थे हालांकि उन्होंने दीन इब्राहिमी और शरीयत इस्लाम के अहकाम के बिल्कुल बर बहुत सी तहरीफांत उस हज में राइज कर रखी थी फिर जब आठ हिजरी में मक्का फतह हुआ और मुसलमानों के हाथ और कब्जे में मक्का की रियासत भी आ गई और वो इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया तो फिर नौ हिजड़ी में आज हम सूरत तबा में भी ये बात पढ़ेंगे नौ हिजरी में जब हज हुआ और आप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक अबूबकर रजील्ला तक को मीर हज बना के रवाना किया तो मैं पता चलता है कि फिर पीछे से वो ऐलान हुआ था और हज़रत अली रजी अल्लाह ने हज के दिन ये ऐलान किया था कि अब मुशिकीन को मक्का को वकेट करना है उनसे खाना काबा के मुतवली होने का वो मामला जो है वो माजूल कर दिया गया था उनको मक्का से चार महीने की मुद्दत के बाद निकाल दिया गया था और ये कह दिया गया था कि अब दौरे जहलीत की तरह हज नहीं होगा और मुश्किन मक्का में दाखिल नहीं होंगे और मुश्किन भी हज नहीं करेंगे और हज अब शरीत मोहम्मदी वसल्लम के तरीके और मनासिकज के मुताबिक होगा और वह नसी के कायदे की हवाले से फिर दस हिजरी में हज अपने असल अयाम पर लौटा था नसी का भी खात्मा कर दिया गया था दौरे जहलीत के हज के तरीकों का भी खात्मा कर दिया गया था और फिर शरियत महम्मदी सल्हम के तरीकों और मनासिक के मुताबिक हिजरी से हज असल एक्चुअल कैलेंडर की डेट पर हुआ और के बाद हज जो है वो अब भी जारी और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा तो ये तो हज की एक मुख्तर सी तारीख है उसके अहकाम और उसकी फर्जियत के हवाले से मुख्तलिफ़ अकवा और मुख्तलिफ़ नबियों की कॉमों के हवाले से हज कुछ लोगों पर फर्ज है इस में दो कैटेगरीज हैं मुस्तती और ग़ैर मुस्तती। वो जो साहिब इस्तात है और वो जो साहिब इस्तात नहीं हैं बहरहाल हज के हवाले से अब अगर फर्जियत के बाप पढ़े बाब नंबर एक बाब वजूबिलहज व ही। हज का वाजिब होना और उसकी फजीलत कऊल तला अल्लाह कुरान में फ़रमाया विल्लाबन सबीला सभीीमन का फराफा के लोगों पर अल्लाह के इस घर का अल अलबाइत किसी घर का नहीं खास इस घर का खाना कहाबा का हज लोगों के ऊपर फर्ज है और किसके लिए फर्ज है जो इसकी इस्ततात रखता है। हज बगैर इस्ततात के फर्ज नहीं और हज की इस्ततात का ताल्लुक उसकी जिस्मानी और माली इस्तात के साथ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबील का मतलब पूछा गया तो आप ने कि सबील से मुराद सफर का खर्च और सवारी है रिवायत है ये कौन है वसल्लम के चचाजाद हैं और ये अपने भाई हज़रत फजल बिन अबासन के हवाले से एक अलैहि वसल्लम के साथ का पेश कर रहे हैं वो रिवायत करते हैं कि हजरत फजल रजी अल्लाह ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के भाई हैं और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारते यहाँ रुक कर एक तो पहला पैगाम देख लीजिए क्योंकि हदीस में से सिर्फ एक पैगाम नहीं आता ना उसको एक वजह से तो एक बाब में रखा जाता है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी तलीमत और पैगाम और रसूल समझ में आते हैं ये मौका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत अहम मौका है बहुत अहम दिन है बहुत मसूफ़ीत और बहुत मशगूलियत का दिन है और बहुत एक अफजल दिन है लेकिन इस अहमियत मशगूलियत के दिन के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे रदीफ कौन है साथ कौन है खुदाबंदी है ना इताई दल अपने रिश्तेदारों को दो क्या दो उनको माल दो वक्त दो तवज्जो दो अहमियत दो इंपॉर्टेंस दो रहनुमाई दो तो ये सब कुछ दिया जा रहा है इस मौके में भी इस मसरूफियत मशगूलियत और अहमियत के दिन में भी रहम का रिश्ता जात भाई मोहम्मद वसल्लम के पीछे सवारी पर कितना करीब कितनी मोहब्बत कितना कुर्ब कितनी तवज्जो कितनी अहमियत कितना वक्त सब कुछ दिया जा रहा है सिला रहमी का एक जबरदस्त दर्स भी है और ददयाली रिश्तों की बहुत खूबसूरत पहचान और सुन्नत का तरीका भी है हजरत फजल बिन तआला पीछे सवार थे सो so, कबीला खशम की एक औरत आई और उसने फजल रजी अल्लाह तन की तरफ़ देखने लगी और वह उसकी तरफ़ देखने लगी तो हर नबी सला ने फजल रजी अल्लाह तन का मुँह दूसरी तरफ़ फेरा और उस औरत ने नबी से सवाल किया गोया दो तीन बातें पता चलती हैं कि एक औरत नामहरम मर्द को देख भी सकती है और बात भी कर सकती है और एक औरत अपनी हतूत और कैद के अंदर रह के किसी मर्द उस्ताज से तालीम का मामला भी अख्तियार कर सकती है और यहाँ पर जो नबी सला ने हज़रत फजल रज़ी अल्लाह त के साथ किया वो कुरान के एक हुक्म के मुताबिक था गुद्द बतर का हुक्म अल्लाह अमाना ताली ने सो नूर की आयत नंबर थर्टी में मर्दों को हुक्म दिया है कि वो क्या करें यह गुद्द में नबसों के निगाहों में से कुछ निगाहें जिनमें आवारगी है जिनमें बेहयाई है जिनमें फ़हाशी है किसी ऐसे नज़ारे पर किसी ऐसे मंजर पर किसी ऐसी फिल्म पर किसी ऐसे सीन पर जिसम के हिस्से पर जो देखना उनके लिए जायज़ नहीं है अगर निगाह पड़ती है तो वो निगाह को झुका लेंगे फेर लेंगे और इससे मिलता जुलता हु ने इस्लाम के लिए भी आयादुदन नबसवा और खिन्ना वो भी अपनी निगाहों में से बाज़ निगाहों को झुकाएंगी तो इस सोनूरूर के हुक्म के हवाले से जो इंसदादे बेहयाई के लिए दिया गया माशेरे में बेहयाई की रोकथाम के लिए दिया गया है नबी सल व्म ने अपने एक चचाजा अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तक ताकीदी अली तेरे लिए पहली निगाह तो है लेकिन तेरे लिए दूसरी निगाह की इजाजत नहीं है तो लिहाजा एक जजाजाद को आपने ताकीद फरमा दी तरबियत और तस्किया के लिए और दूसरे हजरत फजल बिन नबाज को जब उस खातून को देखते हुए देखा और बेजा टिकटी बांध के देखते हुए देखा तो आपने चेहरा फेर दिया है नबी सलम का यू जकी हिम अपने इर्द गिर्द अपनों का प्यारों का साथियों का सहाबा इकराम की तरबियत और तजकिया करने का वो तरीका कार औरत ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह ने फर्ज जो बंदों पर किया है मेरे बाप ने उसको पाया इस हालत में कि वो बहुत बूढ़ा है यानी हज की फर्जियत का हुक्म जो आया है मेरे बाप ने इस हालत में पाया कि वो बहुत बूढ़ा है यहां से फिर क्या पता चल रहा है कि हज फर्ज है हज फर्ज है और इसका ताल्लुक जिसमानी सतात के साथ भी है क्योंकि बेटी ने यह तस्करा किया कि मेरा बाप बहुत ही बूढ़ा है सवारी पर बैठने की ताकत नहीं रखता क्या मैं उसकी तरफ से बतौर न्याबत हज करूं तो अदा हो जाएगा आप सल ने फरमाया हाँ और ये वाक़ है हजतुलविदा का तो आप वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में दस हज का ये मौका है और दस हिजरी है आपने ज बदल की इजाज़त दी है एक बेटी को उसके ज़यीफ़ बाप की तरफ से हज करने की हदीस में से वाज तौर पर पता चल रहा है कि हज फर्ज है दूसरी बात यह पता चल रही है कि हज का ताल्लुक जिसमानी इस्तात के साथ है सवारी की इस्तात और सवारी पर बैठने की ताकत और सलाहियत के साथ है और ये कि अगर कोई ऐसी हालत में इस हुक्म को पाता है और वो जयीफ भी है कमज़ोर भी है जिस्मानी और माली सतात नहीं रखता तो हजें बदल किया जा सकता है यहाँ पे जरा मुख्तसरा देख लीजिए कि आप जानते हैं कि कुरान के हवाले से ये चीज वाज तौर पर मौजूद है कि जो शख्स जो शख्स जिस्मानी इबादत करता है उसका अजर सिर्फ उस शख्स को ही है लेकिन माली इबादत जो है उनका अजर मुंतकिल होता है जैसे सदका खैरात, अल्लाह की राह में दिया व कोई माल ये फ़ौजशुदगान को मुंतकिल होता है या दुआओं का अजर फ़ौजशुदगान को मुंतकिल होता है लेकिन जिसमानी इबादत जैसे कुरान पढ़ना तस्बीहात करना या नवाफिल पढ़ना ये सब कुछ एक से दूसरे को जिंदा से जिंदा को या जिंदा से मुर्दा को मुंतकिल नहीं होता क्योंकि जिसमानी इबादात एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती तो हज और हज बदल का तस्वर क्यों क्योंकि हज वो इबादत है जिसमें जिसमानी और माली दोनों अनासर और कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं तो इसके माली अंसर की वजह से हज बदल की लचक और इजाजत शर्य तौर पर भी दुरुस्ती से मौजूद है बाब नंबर दो या का रिजाल। वाला या लिया शदु ये हज की आयत है जिसमें अल्लाह सुबहान तजरत इब्राहिम को हुक्म दिया था कि वो लोगों को हज का हुक्म दें और फिर उसके बाद अल्लाह सुबह तरमाया था कि इब्राहिम इनको पुकार दो कि वो हज के वास्ते आए और तेरी तरफ पैदल चलते हुए आएंगे और सवार होकर दुबले ऊँटों पर चलते हुए आएंगे और दूर के रस्तों से आएंगे और अपने भले की जगह पर आएंगे तो लिहाजा इससे भी हज की फ़र्जियत और हज के ऐलान का हुक्म है हदीस नंबर सात सौ सत्तर हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला से तवायत है वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वजुल हलेफा एक जगह का नाम है जो मदीना से छः कोस के फासले पर है अब वहां से हैराम बांधते थे और अपनी सवारी पर सवार हुए फिर बुलंद आवाज से लबैग कही जबकि आपकी सवारी सीधी खड़ी हो गई यहां पर कुछ अहराम का तरीका भी आ रहा है कि अहराम जो है वो मिकात पे बांधा जाता है और अहराम को क्रॉस करने के बाद लबैग पुकारा जाता है बहरहाल ये अहकाम जो है इन पर आगे बात होगी बाब नंबर तीन बाबुल अलर रहली ऊंट के पालान पर हज करना हदीस नंबर 771 हज़ा समावा बिन अब्दुल्ला बिन अनस रजी अल्लाह तवायत है किसतनस रज़ी अल्लाह ने ऊँट के पालान पर हज किया और वो बकील न थे यानी पलान का इख्तियार करना कजा के बग़ैर वसल्लम के इतबा की वजह से था न वास्ते बुखल के तो लिहाजा सवारी का होना मिकात का होना तलबिया का पुकारना और नबी सल वम का सवारी को इख्तियार करना और पालान को इस्तेमाल करना ये सब चीज़ें जो हैं इससे साबित हैं आगे चलने से पहले अब हज की फर्जियत के हवाले से कुछ थोड़ा सा कुछ हदीस का हवाला देख लीजिए क़ुरान की आयत के हवाले से ये वाज तौर पर साबित हो रहा है मनस्तः ही सबीला ये हज फर्ज है हुक्म खुदाबंदी है फरीजा दीन है हज जिंदगी में एक बार फर्ज है हदीस के अल्फाज हैं हजरत अबू हुररा रज़ी अल्लाह तरमाते हैं कि नबी सल्लम ने हमें खुतबा दिया और आपने फरमाया कि लोगो तुम पर हज फर्ज किया गया है लिहाजा हज करो तो गोया हदीस में ताकिद ये सुनत मौदा है आदमी ने पूछा यार रसोल सल्लम क्या हज हर साल फ़र्ज है आप सल्हम खामोश है उसने फिर पूछा अब फिर खामोश है उसने तीसरी दफ़ा पूछा अब फिर खामोश है कुछ रवत में आता है कि इस वक्त नबीम पर वही की कैफियत तारी थी और आप इसलिए खामोश थे और कुछ रवायात में आता है कि आप इसका बेजा जवाब नहीं देना चाहते थे आप इसलिए खामोश थे जब उसने तीसरी दफा ये सवाल किया ये नहीं गोया वो बजिद रहा ये पूछने पर तो फिर आप फरमाया कि अगर मैं ये कह देता तो तुम पर वाकई हज हर साल फर्ज हो जाता और तुम ये ना कर सकते और फिर आपने फरमाया कि जो चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ ना जो चीज़ें मैं तुम्हें बताना छोड़ दूँ उसके बारे में सवाल ना किया करो तुमसे पहले लोग अपने अंबिया से ज्यादा सवाल करने और इख्तलाफी की वजह से हलाक हुए लिहाजा जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दू तो हजब इस्त इस पर अमल करो और जब किसी चीज से मना करूं तो रुक जाओ तो गोया इससे वाज तौर पर यह पता चलता है कि हज जिंदगी में एक बार ही फर्ज है और अगर साहिब इसतात शख्स अपनी इस्तात की हालत में जिंदगी में एक दफ़ा हज अदा कर लेता है तो उसकी फर्जियत अदा हो जाती है उसको दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है हज किस पर फर्ज है हज की फर्जियत के हवाले से मर्दों के लिए आठ शराइ हैं और ये उन आठ के बाद दो इजाफी शराइ भी मौजूद हैं मर्दों के लिए हज की फर्जीयत की शरात किस पर फ़र्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत जो आकिल है बालिग है मालदार है सेहतमंद है आज़ाद है सवारी की इस्तात के साथ साथ रास्ता भी पुरान है और हकूमत या जालिम हुकुमरान की तरफ से कोई रुकावट भी नहीं ये तो आठ शराइ मर्दों के लिए हैं दो इजाफी शराइ जो खुतिन के लिए हैं यह भी लिख लीजिए फिर इन मैं इनकी अहादीस का हवाला देकर आपको समझाती हूँ खुतिन के लिए पहली शर्त यह कि सफ़र हज में महरम का साथ होना और दूसरी शर्त इद्दत की हालत में ना होना तो सबसे पहली शर्त तो यह कि मुसलमान के लिए फ़र्ज है नॉन मुस्लिम्स के लिए तो फर्ज क्या नॉन मुस्लिम के लिए तो मक्का और मदीना में दाखिलई ममनू है तो लिहाजा फर्जियत का कोई तस्वीर ही नहीं है ये तो इस्लाम का रुकन है इस्लाम का सतून है खुदाबंदी और सुनत मोहम्मद तो के साथ इसका कोई तस्वुर ही नहीं आकिल और बालिग। आप फरمایا, है आप सल ने हदीस में फरमाया हजरतली रजी तवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि तीन लोग शर एह के मुखलिफ नहीं शरीत के अहकाम जो अल्लाह ने फर्ज किए हैं उन पर इनका कोई बोझ नहीं है उन पर उनके मामले में उनसे कोई सवाल नहीं तीन लोग या तीन शख्स शरीय अहकाम के मुक़लिफ नहीं नंबर सोया हुआ जब तक उसे जाग ना आ जाए बच्चा जब तक वो बालिग ना हो जाए और तीसरा वो मजनू यहां तक कि उसका जनून खत्म ना हो जाए तो लिहाजा ये तीन हालतें हैं आपको पता है कि कोई शख्स नमाज का इरादा करके सोता है और वो सोया ही रह जाता है और उसकी आंख नहीं खुलती तो ऐसे भूल चूक से छोड़ी हुई नमाज पर क्या है कोई मुआवजा नहीं है हाँ उसको जागने के बाद फौरी उसकी क़़ा अदा करनी है भक्ति नमाजों की क़ा का तस्वुर है ना लेकिन बहर कैफ उस पर इसका मुआवजा नहीं है हाँ जानते बूलते जागते हुए नमाज छोड़ना जो है उसका कोई कफारा नहीं है उसको उसका कोई तस्वूर ही नहीं है ऐसा कफारे का तो इसी तरह हज आकिल बाल दोनों तस्वरत इससे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अबासजी अल्लाह तवाय से हदीस के अल्फाज हैं कि नबी सला फरमाया कि जो बच्चा हज करे यानी बच्चा छोटी उम्र का था ना बालिग था, था।, था, 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 था वालदे ने हज करवा दिया जो बच्चा हज करे फिर बालिग हो जाए तो उसे इस्तात होने पर दोबारा हज करना चाहिए और जिस ग़ुलाम ने हज किया फिर आज़ाद हो गया तो उसे भी इस्तात हासिल होने पर दोबारा हज करना चाहिए ये मैं बहुत ही ज्यादा इसको करेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि आम कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चों को हज इसलिए ना कराएं कि फिर इन पर फर्ज हो जाएगा याद रखिएगा गुलामी में या बलूक से पहले हज का कर लेना या करवा दिया जाना उसकी फर्जीयत में इजाफे का बायस नहीं बनता फर्जियत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बाहर कैफ से ही है अगर बचपन में किसी बच्चे को उसके वालदेन ने हज करवा दिया क्योंकि वालदेन साहिब इस्तात थे लेकिन अपने बलूक के बाद वो बच्चा सारी जिंदगी साहिब इस्तात नहीं होता तो बचपन के उस हज की वजह से उस पर वो हज फर्ज नहीं हो जाएगा क्योंकि वो उसके वालदेन ने करवाया था और अब वो यहां जिसमानी या माली इस्तात नहीं रखता तो इस बचपन में करने वाले पर हज सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी जाति माली और जिसमानी इस्तात के साथ फर्ज होगा और यही मामला एक आजाद का है लेकिन बहरहाल एक बचपन में करने वाले ने अगर बाद में इस्तात है तो फिर उसको बहरहाल के हवाले से उसको दोहरा लेना चाहिए तो ये तो कुछ पहली शराय के हवाले से हो गया और अगर हम देखें तो हदीस एक और है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ना किसी रोकने वाले मर्ज ने रोका ना सवारी की इसतात ने रोका और ना जालिम हुकमरान ने रोका यानी कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है पासपोर्ट वीजा कोई ऐसा मसला नहीं है और उसके बावजूद उसने हज नहीं किया तो उसे चाहिए कि यहूदी मरे के नसरानी मरे यानी इख्तियार है पर बेसिकली क्या है वो उम्मत मोहम्मदी वसल्लम से खारिज है तो इस्तात के बावजूद हज ना करने वाला उम्मत मोहम्मदी अलैहि वसल्लम से खारिज है और यहां पर वैसे भी सवारी हकूमत की रुकावट और रास्ते का अमन ये सारी शरात इससे नजर आ रही है इसी तरह तवील हदीस है हदीस जबराइल मुस्लिम में हदीस आ रही है कि हजरत उमर रजी उम्र रवायत करते हैं कि एक रोज हम नबी की खिदमत में हाजिर थे कि एक शख्स आया जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे ये कौन है है जो इंसानी शक्ल में आए नहायत से आलो वाला जिस पर सफर के कोई असरात नहीं थे और हमें से कोई भी इसे नहीं पहचानता था यानी आउटसाइडर था आकर वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दी और अपनी दोनों हथेलियां आपके रानों पर रख ली और उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं असल में हजरत जिब्रील अमीन ने तीन सवाल किए थे मुझे इस्लाम के बारे में बताएं ईमान के बारे में बताएं और एहसान के बारे में बताएं यहाँ पर सिर्फ इस्लाम के हवाले से हिस्सा है मुझे इस्लाम के बारे में बताएं आपने इरशाद फरमाया इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं ये वही शहादतें है, हैं जो रुकन है पहला नमाज कायम करो जक़ात अदा करो रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्ला का हज करो बशर्ते के तुम्हें वहाँ तक जाने की कुदरत हो इन इस्तात अलैहि सबीला अगर तुम्हारे पास इस्तात हो तो इस्तात ही कुरान में और इस्तात ही हदीस जिब्राइल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के हवाले से मौजूद है और हजरतन सी अल्लात करते हैं कि साहबा ने पूछा कि ये सबीला से क्या मुराद है तो आपने फरमाया सफरे खर्च और सवारी तो लिहाजा ये तो इस्त की वो आठ शराय हैं जो मर्दों औरतों दोनों के लिए हैं और ख़्वतिन इस्लाम के लिए दो इजाफी शर्त शर्त क्या हैं कि मेहरम का साथ होना और उसका इ्दत मै न होना सफ़रे हज के हवाले से खामिन का या किसी महरम का साथ होना हदीस के अल्फाज मुस्लिम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तआला की रवायत से है वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना मिले इल्ला ये कि उस औरत का मेहरम उसके साथ हो ना मेहरम के साथ खिलवत में तन्हाई में मिलना हदीस में आता है ना कि जब एक मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है और वैसे भी शैतान जो है वो इंसान के जिसम में ऐसे है जैसे खून गर्दिश करता है तो लिहाजा इसको मना किया गया ये फितना है वैसे भी अख्तिलात और मखलूत महफिल से भी ममानियत है और फिर साथ आपने फरमाया कि कोई औरत अपने महरम के बगैर सफ़र ना करे और महरम के हवाले से हमें एक हदीस में आता है कि एक दिन एक रात और कुछ जगह आता है तीन दिन तीन रात तो बहरहाल एक खातून किसी किस्म का भी सफर करती है वो कोई दुनियावी सफर करती है इल्म का सफर करती है या हज का सफर करती है तो वो अपने महरम के बगैर सफर नहीं करेगी और ये नबी नबीसम की हदीस सही हदीस की ताकद है तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि जैसे आज खुवान वो खवतन के हज ग्रुप्स के साथ चली जाती हैं और फिर हज करती हैं और फिर कहती हैं कि जी फतवा फ़लाँ का मौजूद है फ़लाँ का मौजूद है मदीना यूनिवर्सिटी तक के फ़तवे जो हैं वो कोट कर दिए जाते हैं और वो हज ग्रुप्स वालों ने मुख्तफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फ़तवे लिए रखे हैं असल में बात यह कि उनके फतवे तो इसलिए कि उनके लिए वो कारोबार है उनके लिए वो बिज़नेस है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ऐसे हज ग्रुप्स को ले जाने और प्रमोट करने के लिए ऐसे फ़तवा हासिल कर लेते हैं लेकिन फतवा तो उस चीज़ पर हासिल किया जाता है ना फ़िकी मसला तो उस चीज़ पर किसी चीज़ पर फतावा लिए जाते हैं जहाँ कुरान और हदीस में अहकाम मौजूद नहीं है यहाँ पे कुरान और हदीस में वाजकाम जब मौजूद हैं तो फिर इसमें किसी फतवे की ना ज़रूरत है ना लचक है ना छूट है और ना ही कोई हाजत है तो लिहाजा खवतान जो पहले खातिन के ग्रुप के साथ के हज करती हैं और फिर वापसी पर दुबई में शॉपिंग करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती नजर आती हैं ये शरीय के अहकाम के मुताबिक नहीं है इतनी बड़ी अफजल इबादत करनी है और कुरान के हदूद और हदीस की तालीमत की मुखालफत में करनी है ये तो दीन का रंग ही नहीं है हजरत याह नबाद रहा ये फरमाते हैं कि ईरान का एक शहर रह। उसकी एक खातून ने हजरत इब्राहिम नकी रहमुल्ला से सवाल किया हज़रत इब्राहिम नखी जो हैं वो हजरत इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे तो इमाम अबू हनीफा के उस्ताद से शहर ईरान के शहर की खातून ने सवाल किया कि मैंने मैंने हज का फर्ज अदा नहीं किया लेकिन मैं मालदार हूं यानी मेरे पास माल है मैं माल अदा कर सकती हूं और मेरे पास इतनी माली इस्तात है लेकिन मेरा महरम नहीं है मेरे लिए क्या हुक्म है तो इब्राहिम नकी रहा ने औरत को जवाब में लिखा तू उन लोगों में से है जिन पर हज फर्ज नहीं है तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि अगर एक खातून का या तो कोई महरम है ही नहीं वो जो सात मर्द रिश्ते हैं कोई महरम है ही नहीं मतलब खुदा ना खास्ता बाप व्या तो बेटा भाई शोहर कोई महरम रिश्ता है ही नहीं और यहाँ कोई महरम रिश्ता है भी तो वो बालिग नहीं है और यहाँ वो बहुत बूढ़ा है या वो साहिब इस्तात नहीं है या उसको साथ ले जाने की माली कुदरत नहीं है कोई भी ऐसा मसला है तो बहरहाल ऐसी हालत में इस खातू और यहाँ फिर कई दफ़ा ये है कि महरम रिश्ता है जैसे बहुत सी खातन ऐसी होती हैं कल ही मुझे एक खातून का सवाल है कि मेरा शौहर में ऐसा जाने को तैयार नहीं है महरम तो है लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है उसका ईमान नहीं है वो जाने पर राजी नहीं है तो हर ऐसी सिचुएशन में उस औरत पर हज फर्ज ही नहीं है तो जब फर्ज ही नहीं है तो वो ऐसी इबादत जो उस पर फर्ज नहीं है वो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी और ख़िलाफ़ वर्जी में अदा नहीं करेगी और खातून का इद्दत में होने के हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह का रवैया पता चलता है सईद बिन वैब फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तरीका है कि जब उनको पता चलता था कि कोई खातून सफ़र हज या उम्र के लिए रवाना हुई है लेकिन वो इद्दत की हालत में तो वह मकाम बैदा से वापस कर देते थे यानी मक्का के इतने करीब आने के बावजूद उनको वापस लौटा देते दे थे तो लिहाजा इससे वाजह तौर पर यह बात पता चल रही है कि शराय हज क्या है और किस किस पर हज कब किस तरह फर्ज है हज के हवाले से कुछ और जो दो तीन बातें बताना चाहूंगी कि, कि कुछ लोगों के ये ख्याल है कि अगर हज के महीनों में कोई शख्स उमरा कर लेता है तो उसके लिए हज फर्ज हो जाता है ये चीज भी सुनने से साबित नहीं है यानी अगर कोई जिकत में या मुहर्रम में उमरा कर ले तो उसके लिए हज फर्ज नहीं हो जाएगा ये सुनत और हदीस की तालीबात से साबित नहीं है इसी तरह भी हमने छोटी उम्र या गुलामी के हज, के हज के हवाले की भी बात की और ये भी जहन जे, नशीन कर लीजिए कि बच्चों का गैर शादी शुदा होना आज हमारा पाकिस्तान में तो बहुत ही तरीका है ना कि समझते हैं कि जी बच्चे भी छोटे हैं शादी शुदा नहीं हैं अभी हमारी जिम्मेदारी है हम इनको छोड़ के नहीं जा सकते तो बच्चों का गैर शादीशुदा होना इससे भी हज की फर्जियत साकित नहीं हो जाती और हज के हवाले से ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़क़ात के साथ ज़क़ात के माल के साथ किसी शख्स को हज करवाना इसका भी कोई तसवुर नहीं है क्योंकि ज़क़ात बुनियादी तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दी जाती है बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए दी जाती है और वो एक शख्स जो साहिब इस्तात नहीं है जिस पर हज फर्ज नहीं है उसको ज़क़़त के पैसों के साथ कोई दूसरा शख्स वो काम क्यों करवाएगा जो उसके लिए फर्ज नहीं है ज़कात अल्लाह के बंदों का हक है बहुत से मुस्तकिन का हक है उसको ऐसे फरीजे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसी तरह कर्ज लेकर हज पर जाना ये भी सही तरीका नहीं है अल्लाह सुबहाना तूरा बकरा में फरमाया व तज्ब वी नई रजात तखवा कि तुम जब सफरे हज पे जाओ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि मुश्किन मक्का का ये तरीका था कि ये कहते थे कि हम तो जब हज पे जाएंगे हम अल्लाह के मेहमान हैं और हम अल्लाह के मेहमान हैं अल्लाह हमारी मेहमान नवाजी करेगा हमें साथ राह लेके जाने की क्या जरूरत है और फिर वहां जाते थे और चूंकि उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होती थी ज्यादा राह नहीं होता तो फिर वहां जाके मांगते थे और फ़कीर हो जाते थे मस्किन होते थे सवाली बन जाते थे तो अल्लाह ने मना किया अपना जरूरियात जिंदगी का सामान साथ लेकर जाया करो और वैसे खैर बेहतरीन ज़्यादा वो तकवा का है तो इससे ये जवाब फराहम होता है कि जब हज की हालत में सवाल करने और कर्ज मांगने और भीख मांगने और सवाली बनने से रोका जा रहा है तो हज पे हज पर जाने के लिए भी सवाल करने और जो है वो कर्ज लेने से मना ही किया जाएगा अगर हज की हालत में कर्ज और सवाल करने से मना किया जा रहा है तो हज करने के लिए भी सवाल और कर्ज से मना ही किया जाएगा तो ये चीजें बहरहाल हमें इन चीज़ों से दो। बहरहाल ये है कि अगर किसी का कुछ अमाउंट में थोड़ी सी कमी है, तो किसी बहन भाई से थोड़ा सा लोन ले ले कर्ज ले और वापस आके उसको अदा कर दे तो ये बहरहाल किया जा सकता है हज की अहमियत के हवाले से हज की इस्तात होने के बावजूद हज ना करने की वईद क्या है अभी एक तो मैंने आपको हदीस सुनाई फिर तोहरा लीजिए क्योंकि बहुत अहम है वो शख्स जो जिसको ना किसी किसी रोकने वाली बीमारी ने रोका ना सवारी की इस्तात ने रोका ना ज़ालिम हु ने रोका इसके बावजूद उसने हज नहीं किया उसे इख्तियार है चाहे वो यहूदी मरे चाहे वह नसरानी मरे इसी तरह हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते थे कि मैं इरादा करता हूँ कि मैं शहरों में भेजूँ कासिदों को भेजूँ कि वो तहकीक करें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह त अपने खिलाफत में फरमाते हैं कि मेरा इरादा होता था और मैं कसद करता था कि मैं शहरों में अपने लोगों को भेजूं कि वो तहकीक करें कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इस्त के बावजूद हज नहीं करते और हजरत उमर रजी अल्लाह ने इरादा किया कि वो लोग जो इस्तात और ताकत के बावजूद हज नहीं करते कि उन पर जजिया मुकरर कर दिया जाए क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग मुस्लिम नहीं है ऐसे लोग मुस्लिम नहीं है तो गोया ये अहमियत है हज की फर्जियत के हवाले से और हजरत अली रजी अल्लाह तवाय से हदीस है कि जिसने कुदरत के बावजूद हज ना किया और का मतलब है इस्तात अफोर्डेबिलिटी उसके लिए बराबर है कि यहूदी मरे या आसाई और हजरत बिन रजी अल्लाह नबास की रवायसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सला फरमाया कि जो शख्स हज करने का इरादा करता है उसे चाहिए कि जल्दी करें कि बगैर वजह के जब इस्तात हासिल हो गई है तो डिले ना करो पोस्टपोन ना करो सुस्ती ना करो सुस्ती तो वैसे ही शरीय नहीं पसंद करती ना और आज का काम जहाँ जल्दबाज़ी को पसंद नहीं करती वहाँ सुस्ती और तरद को भी शरीयत पसंद नहीं करती जब कोई शख्स हज का इरादा कर ले और इरादा कब करेगा जब उसकी इस्तात है तो उसे चाहिए कि जल्दी करे क्योंकि वो बीमार भी हो सकता है सवारी का बंदोबस्त हो सकता है या कोई रुकावट भी पेश आ सकती है तो वो जब कोई हालात मौजूद हैं और इस्तात है तो फिर हज की फर्जियत को अदा करने में टाल मटोल तरद नहीं करना चाहिए उसको फौरन कर देना चाहिए पता नहीं कब बीमार हो जाए और वही जो कहते हैं ना कि पांच चीजों का शुक्र पांच से पहले करो तो ये वही पांच चीजें हैं इसी तरह हदीस में कि हजरत अब्दुल्ला बिन नवाज रजी अल्लाह फरमाते हैं कि आपसे लाइस में फरमाया फरीजा हज अदा करने के लिए जल्दी करो क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि कब उजर पेश आ जाए और वैसे भी हमने ये भी देख लिया कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और वो साहिब इसतात था, था और उस पर हज की फर्जियत थी और उसके बावजूद उसने हज नहीं किया तो उसके वसाक को चाहिए कि उसकी तरफ से हज बदल अदा कर दें खुद कर लें या किसी को करवा दें बाब नंबर चार बाब फजल हजल मबरूर हज मबरूर की फजीलत हदीस नंबर 772 सेवन हज़रत आयशा रजी तह से रवायत है कि वो फरमाती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अच्छा इससे पहले एक और हदीस देख लें जो मुफसिल बुखारी में है जो आपकी किताब में नहीं है हैज़रत अबू हुररा रजी अल्लाह तवायत है कि किसी ने नबी नबीम से सवाल किया अयलम अफजल कि कौन सा अमल सबसे अफजल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान बिल्ला अल्लाह पर ईमान लाना फिर फरमाया गया सु माजा फिर कौन सा आपने फरमाया अलजहादी सबी अल्लाह की राह जिहाद करना फिर फरमाया गया सुम्मा माजा फिर कौन सा कौला फिर हजुम नेकी वाला बिर वाला मकबूल हज तो अफजल अमाल की फहरिस्त में से पहला तोहेद फिर दूसरा जहाद और तीसरा हज मबरूर इसी हवाले से हज़रत आयशा रजी रिवायत से यह हदीस नंबर 772 के अल्फाज हैं वो फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम जिहाद को सब अमलों से अफजल जानते हैं क्योंकि हदीस में अल्फाज थे क्या हम जिहाद ना करें कि क्या अब हम खवातीन हम जिहाद ना करें इतना अफजल अमल है हम महरूम रह जाए तो आपने फरमाया कि अफजल जिहाद मकबूल हज है और कुछ रवायात में यह भी आता है कि आपने फरमाया खवातीन के लिए अफसल जिहाद हज मबरूर है हदीस नंबर 773 सेवन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के वास्ते हज किया फिर ना औरत से सोहबत की और ना सोहबत की बात की और ना गुनाह किया ना राम में किसी से झगड़ा तो गुनाहों से पाक होकर अपने घर ऐसा फिराया जैसा कि उस दिन था कि जब उसकी माँ ने उसको जना था हदीस ये बता रही है कि जब हज करने वाले ने अहराम की तमाम पाबंदियों और हज के मकरूहात से इजतनाब करके वो जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना अलहज अशर मालूम जो रफस नहीं करता यानी किसी किस्म के अजवाजी मामला का मामला नहीं करता और फिर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और जिदाल यानी झगड़ा नहीं करता ये मकरूहत है ना हज के इंजाला के बात होगी तो जो अहराम की इन हदूद पर पाबंद रहता है और मकरूहाते हज से इज्तनाब करता है और हज को पूरे मनासिक से अदा करता है वो वापस कैसे पलटता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ गोया हज मबरूर सारे के सारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाता है ये फजीलत है तो दो फजाइल आपने हदीस में देखे एक हज अफजल अमल है दूसरा हज गुनाहों की बख्शिश का जरिया है हज के फजीलत के हवाले से कुछ और अदीस देख लीजिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्ला के रवायत से मुतफिक है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र उन गुनाहों का कफारा है जो मौजूदा और गुजता उमरे के दरम्यान है यानी किसी ने एक उमरा दो साल पहले किया और अब कर रहा है तो उस दो साल और इस उम्र के दरमियान जितने भी गुनाह हुए थे ये बाद में आने वाला उमरा उस इंटरम पीरियड वाले गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेगा अब फिर आपने फरमाया कि हज मबरूर का बदला तो जन्नत है यानी गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और हज जन्नत के हसूल का जरिया यह तीसरी फजीलत है अफसल हज अफसल अमल हज है गुनाहों की बख्शिश का जरिया हज है और जन्नत के हसूल का जरिया है हज हसरत अमर इब्न अल्लाह वजील फरमाते हैं कि मैं नबी व की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने आप दरख्वास्त की कि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अपना दस्ते मुबारक अलैहि वसल्लम ने गोया उन्होंने ना बैत करने के लिए हाथ नबी वसल्लम का तलब फ़रमाया आप वसल्लम ने, ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और हज़रत अमर अब्न अलास ने पहले हाथ तो बढ़ाया था लेकिन फिर उन्होंने ना अपना हाथ पीछे कर लिया तो आप फरमाया कि अमर ये क्या मामला है कि नहीं पहले तूने बैत के लिए हाथ मुझे से मांगा है और फिर तुमने हाथ बढ़ाया और फिर अब तुमने हाथ पीछे कर लिया तो हजर अमर इब्नलास फरमाते हैं कि मैंने फरमाया कि नबी वसम मैं ना एक शर्त रखना चाहता हूँ तो आपने फरमाया कि अमर कौन सी शर्त है तो आप सल्हम से इन्होंने फरमाया गुज्तर गुनाहों की बख्शिश कि मैं ये शर्त रखना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे बैत करूँगा तो मेरे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे तो इस पर वो फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया क्या तुझे मालूम नहीं है क्या तुझे मालूम नहीं है कि कबूल इस्लाम कबूल इस्लाम गुजश्ता सारे गुनाहों के बख्शिश का जरिया बनता है और हिजरत गुनाहों को बख्श देती है और हज तमाम गुनाहों को मिटा देता है तो गोया फिर वाज हो गया कि हज गुनाहों की बख्शिश का जरिया और ये मुस्लिम की हदीस है इसी तरह इब्निमाजा में हजरत उमर रजी अल्लाह के तवाय से हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पे दरपुर उम्र करो यानी ऊपर नीचे किया करो और हज़रत आयशा रजी अल्लाह का हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा के बाद हर साल हज करती थी अपना खेमा जो है वो हज के मैदान में लगाती थी और फिर वहां पर लोगों को दीन के और इस्लाम के मामला भी सिखाती थी और बहुत दीन की तालीम और तबलीग का जरिया भी बनाई ये सारा कुछ तो आपने फरमाया पै दर पै हज और उम्रे करो क्योंकि ये दोनों फकर यानी माली तंगी फक्र फाका और गुनाहों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे से मैल कुचैल को दूर कर देती है ये अपने माजा की रवायत है जैसे भट्टी में अगर लोहे को या सोने को डाला जाए तो गंदगी कसाफतें मैल कुचैल दूर हो जाती है ना और साफ़ लोहा और साफ़ सोना जो है वो उस भट्टी में से बन जाता है और लोहा सोना तो कुंदन बन जाता है ना तो इसी तरह ये उम्र और हज जो हैं वो एक एक मोमिन की ज़िंदगी में से फ़कर और माली तंगी और नॉर्मली हज उमरा किया क्यों नहीं जाता

सलाम के पास एक शख्स आया और उसने तस्करा किया कि या रसोल्ला सल्ला वल्म मैं कमज़ोर दिल हूँ यानी मेरा दिल बहुत कमज़ोर है मेरे आसाब मेरे हवास बहुत कमज़ोर और वीक हैं इमोशनली ले बाइल है ना हम हाँ। लो इमोशनल आई क्यू है मैं कमज़ोर दिल हूँ और मैं ज़ईफ़ हूँ तो आपने फरमाया कि ऐसा जिहाद करो जिसमें तकलीफ नहीं है यानी हज तो गोया हज जिहाद के बराबर अजर है और वैसे भी हज जिहाद की तरबियत भी करता है और अभी वो दोहरा लीजिए हदीस फिर से हज़रत आयशा रजी अल्लाह ने यही सवाल किया था कि हज जो है वो अफजल अमल भी है और जिहाद भी है तो फिर हम कैसे महरूम रहें तो आपने फ़रमाया था कि ख़्वीन के लिए अव्वल हज अफजल हज जो है वो क्या अफजल जिहाद क्या है कि वो हज करें और वैसे भी साहबाक्राम ने जब सवाल किया था कि या रसूल सला हम सब रोज़ा रखते हैं सबसे ज़्यादा अजर किसका होगा तो आपने फरमाया था जो जिक्र ज्यादा करेगा फिर उन्होंने कहा कि हम हज करते हैं सबसे ज्यादा अजर किसका होगा आपने फरमाया जो जिक्र ज्यादा करेगा हम जिहाद करते हैं जिसका जिक्र ज्यादा होगा उसके जिहाद का अजर तो हज का अजर उसके दौरान जिक्र जितना ज्यादा होगा उसकी वजह से हज का अजर भी बढ़ जाएगा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह की तवायात से हसन हदीस इब्ने माजा की कि आप सला ने फरमाया मुजाहिद फी सबील्ला मुजाहिद फी सबी उमरा करने वाला और हज करने वाला अल्लाह के मेहमान है यानी इन तीनों का मेज़बान कौन है ये तीनों अल्लाह मेजबान है इनका और ये अल्लाह के मेहमान है और आपने फरमाया कि अल्लाह ने इनको बुलाया और इन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की फिर इन्होंने अल्लाह से मांगा और उसने उन्हें अता किया तो गोया ये तीनों हुक्म खुदा हैं और जो शख्स इन तीन अहकाम की अतात करता है यानी जैसे फिर बंदा अल्लाह के साथ जो मामला करता है फिर वैसे अल्लाह बंदे के साथ करता है बंदे ने अल्लाह की मानी फिर अल्लाह बंदे की मान देता है और यहां से क्या पता चल रहा है कि एक तो ये हुक्म खुदाबंदी और दूसरी बात ये पता चल रही है कि हज और उमरा दुआओं की कबूलियत का जरिया भी है अच्छा जना फिर अब दो वाक्यात आएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि रमजान में उम्र करने की फजीलत कितनी है हसरत उम्म मोकल रज़ी अल्लाह ताल अपनी अपनी ज़िंदगी का वाक़ा बताती हैं कहती हैं कि नबी वसल्लम जब सफ़र हज पर जा रहे थे तो मेरे शोहर बूढ़े भी थे और उनके पास एक ऊँट था तो उन्होंने अपना ऊँट जो है ना वो फ़ी से दे दिया और मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम सफ़र पर जाएँ तो मेरे शोहर ने कह दिया कि मैंने अपने ऊँट को फ़ीस बीली दे दिया और फिर वैसे फ़रमाती है कि इसके बाद नबीम तो सफ़र पर रवाना हो गए लेकिन अब वोकल जो थे वो फौत भी हो गए नबी नबीम जब सफ़र हज से वापस तशीफ लाए तो उन्होंने हज़रत उम्मे बोकल रजी अल्लाह तह से सवाल किया और वजह पूछी कि तुम सफ़र हज पर क्यों नहीं गई थी तो उन्होंने अपनी रुदात बयान की कि मेरे शौहर ने अबू मोकल ने अपने फ़ौत होने से पहले जो उनका एक ऊँट था उसको फीसबीली दे दिया था और हमारे पास सवारी नहीं थी हम इसलिए नहीं गए थे और वैसे भी अबू मोकल बाद में फ़ौत भी हो गए थे तो आप सल ने फरमाया कि अगर तू उस ऊँट पर यानी जिसको तूने फीस से बीरीला दे दिया था अगर तू उस ऊंट पर सवार होके हज कर लेती तो तेरे लिए कोई मुकाका नहीं था क्योंकि हज भी तो फीस से भी रीला है और फिर आपल्म ने फरमाया कि अब जो तूने हज नहीं किया तो तू रमज़ान में हज कर लेना क्योंकि रमज़ान रमज़ान में उम्र कर लेना क्योंकि रमज़ान में उम्र हज के बराबर अजर का जरिया है इसी तरह एक और वाक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तैन की रवायत से आता है कि वह फरमाते हैं कि, कि नबी वम ने ना हज का इरादा किया तो एक खातून ने अपने शौहर से ये तस्करा ये तकाजा किया कि मुझे हज पर ले जाओ लेकिन शौहर ने बस वही जो पिछला वाक्य उससे मिलता जुलता ही मामला किया उसने कहा कि मेरे पास तो एक ही सवारी थी और मैंने फ़ीस से भी लीला दे दी और लिहाजा वो दोनों अजवा जो हैं वो हज पर नहीं गए आप सलाह वारिस वापस तशरीफ़ लाए तो ये शौहर जो है वो नबी अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने तस्करा किया कि एक तो इसने ये कहा कि मेरी बीवी आपको सलाम देती और आपने फिर सलाम का जवाब भी दिया क्योंकि याद आब है ना कुरान की हदीस के तालीम के मुताबिक अगर तुम्हें सलाम करे तो फिर उसके सलाम का जवाब दोियों से बेहतर तो गायबाना सलाम भेजा भी जा सकता है और गायबाना भेजे हुए सलाम का जवाब देना भी नबी सल वम की सुनत के मुताबिक है बहरहाल आपने सलाम का जवाब भी दिया और आपने ये फरमाया उन्होंने उसने ये कहा था ना कि मैंने अपना ऊँट जो है वो फी सब भीला दे दिया था तो आपने इनको भी यही कहा कि अगर तुम उस फी सभी वाले ऊँट पर ही सवार होके हज कर लेते तो इसमें कोई हरज नहीं था क्योंकि हज भी तो फ़ी सब भी सफ़र ही है और फिर आप आपली वसलम ने फरमाया कि अब जो तूने हमारे साथ हज नहीं किया तो अपनी बीवी को हज करा रमज़ान के महीने में क्योंकि रमज़ान के महीने में हज करना ऐसा ही है जैसा किसी ने मेरे साथ हज किया गोया रमज़ान के महीने में उम्र करना आई एम सॉरी मैंने रमज़ान में हज के अल्फाज बोल दिए आपने फरमाया कि उसे रमजान में उम्र करवा क्योंकि जिसने रमज़ान में उम्र किया उसने गोया ऐसे उम्र किया जैसे उसने मेरे साथ हज किया तो गोया मुबारक के महीने में उम्र करना हज के अजर के बराबर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइत और आपके साथ हज और उम्र करने के बराबर अजर सवाब का जरिया है और कितना ज़्यादा ये सफ़र हज कितना अफसल है और कितनी इसकी फजीलत है और कितने इसे दर्जात बुलंद होते हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से हदीस के अल्फाज हैं कि आप वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज या उमरा जिहाद के इरादे से निकले आप देख रहे हैं कि बार बार ये तीनों चीजें गोया पैरिल ले ले जिहाद हज और उम्र क्योंकि बेसिकली हज और उम्र भी जिहाद ही है मेहनत और मुशक्कत है जो शख्स हज उमरा या जिहाद के इरादे से निकलता है और रास्ते में उसे मौत आ जाती है तो अल्लाह सवाल तआला उसे गाजी या हाजी या उमरा करने वाले का सवाब देते हैं यानी अभी उसने जिहाद नहीं किया था मुजाहिदा अल्लाह के रस्ते में निकला था जिहाद करने की नौबत ही नहीं आई थी पहले फ़ौत हो गया तो उसको मुजाहिद का अजर मिलेगा हज और उम्र करने की नीयत से निकला था लेकिन हज और उम्र करने की नौबत नहीं आई लेकिन इन्ना मालाम नहीं आता माल का दारोमदार नीयतों पर ना और अल्लाह का दरदान है शकूर है और रलीम है तो लिहाजा हज और उम्र नहीं भी किया लेकिन अहराम की हालत में फ़ौत हो गया और इरादे के बाद फौत हो गया तो अल्लाह सब उसको उसका अजर दे देगा और वैसे भी पता है कि जब कोई शख्स नीयत कर लेता है तो फरिश्तों को कह दिया गया है कि जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो क्या करो उसकी एक नेकी लिख दो और जब नेकी कर लेता है तो कम से कम दस निकियाँ लिखो और हमें यह भी पता है कि शख्स जब एहराम पहन लेता है और फिर उम्र अहराम ही की हालत में फ़ौत हो जाता है तो हमें दीद से पता चलता है कि क़यामत के दिन किस हाल में उठाया जाएगा इस हाल में उठाया जाएगा कि वो तल पुकार रहा होगा उसकी जबान से जो दुनिया में क्योंकि हदीस कहती है ना कि जैसे तुम जिंदा रहते हो वैसे ही तुम्हें मौत आएगी और जैसे तुम्हें मौत आती है कमा तमोतुन न तो बसून जैसे तुम्हें मौत आती है वैसे ही तुम उठाए जाओगे शहीद के हवाले से हमें पता चलता है कि वो क्यामत के दिन उठेगा कि उसके ज़ख़मों से खून टिपक रहा होगा और उसके खून में से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी और ये जो एहराम वाला शख्स है इसके हवाले से आता है कि जब यह क़्यामत के दिन उठाया जाएगा तो ये तलबी पुकार रहा होगा جس حالت ممروكي اسي حالت مي اتھاي جاوكي الله خاتمه بالخير فرمانا ایمان كي ثابت قدمي موت كي وقتك اتاب فرمانا اللهم عيني على عمرات الموت وسكرات الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وحب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوحام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين آمين